हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी की अपडेट। और ये वैकेंसी की अपडेट है दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली, क्योंकि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी बिना एग्ज़ाम दिए। जी हाँ दोस्तों, ये सीधी भर्ती है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये है आपका डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम GDS के नाम से जानते हैं 2019 के। तो आइए जानते हैं इसके अपडेट के बारे में, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन से ज़िले में, कौन कौन से राज्य में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नया फॉर्म आता है दोस्तों सरकारी, तो हम उसकी अपडेट आपको सबसे पहले जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हम उसके आपको स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा फ्री प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बस करना होगा हमें एक मेल, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के पेज पर जाके हमारे ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कीजिए कि सर हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप हमें इसकी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है इंडियन पोस्ट, यानी भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2019। अब यहाँ पे हम देखेंगे राज्य, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 14/11/2019। और फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 15 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 14 तारीख को जो इसका लास्ट डेट है। अब बात करें बिहार, गुजरात, कर्नाटका और आसाम, केरला। जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 3, 4 राज्य इसमें हैं और ऊपर थे 1, 2, 3, यानी 7 राज्य ये टोटल हो गया अभी तक। फिलहाल 5 अगस्त को जो है इसका फॉर्म निकला था, 5 अगस्त का इसका लास्ट डेट था और 22/9 जो है इसका स्टार्टिंग डेट है और 22/9 जो है इसका जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये खत्म हो चुका है। तो यानी आपके पास जो डेट है वो डेट है सिर्फ और सिर्फ कौन सी, ये डेट। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 14/11 जो इसका लास्ट डेट दिया गया है और आपको इस फॉर्म को भरना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 है जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप में है। ऑल कैटेगरी फीमेल, जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए 0, यानी कोई फीस नहीं देना है। और जनरल, OBC और EWS, जहाँ ये 3 कैटेगरी वालों को 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फीस के तौर पर। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और की, तो देखिए पोस्ट का नाम सबसे पहले देख लीजिए, GDS, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप 10वीं पास हो भारत के किसी भी विद्यालय से, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ अप्लाइड स्टेट, और साथ ही आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे स्टेट वाइज, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए 667, OBC के लिए 54 और इस प्रकार टोटल है यहाँ 1799। तेलंगाना में है आप इस प्रकार देख सकते हैं 970, आंध्र प्रदेश में है 9700, जी हाँ दोस्तों 2707, बिहार में है 1063, गुजरात में है 2510, कर्नाटका में है 2637, केरला में आप देख सकते हैं 851, पंजाब में 919, आसाम में देखिए इसी प्रकार जो है टोटल जो लिस्ट है यहाँ पे, और आप इसे काउंट कर लीजिए यहाँ पे टोटल 17,000 से ऊपर जो है टोटल 200 पोस्ट है इसमें इंडियन पोस्ट में। अब हम बताते हैं आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको करना क्या होता है, बस आपको अप्लाई करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो है इसकी indiapostgdsonline.in। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ओपन भी हो चुकी है वेबसाइट, ये आप URL में देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियली। आपको क्या करना होगा देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ एप्लीकेशन नेम, आपको यहाँ पे नाम टाइप करना होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर देखिए, जैसा पापा में जो आपका डैड का नाम है यानी पिताजी का, वो 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसा है हूबहू, जी हाँ दोस्तों सेम लिखना है। मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल चूज कीजिए, कम्युनिटी सेलेक्ट कीजिए, EWS है तो यस नो, एज अ पर्सन डिसेबिलिटी यस नो कीजिए, सेलेक्ट PWD कैटेगरी में यस नो जो भी आप करना है सब कैटेगरी में, और इस प्रकार दोस्तों टोटल देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिया है क्लास 10 पास्ट और किस स्टेट से किए हैं वो देखिए, ईयर ऑफ पासिंग डालिए, एक छोटा आपका देखिए 50 KB का, जी हाँ दोस्तों 50 KB जो है आपका फोटो जो है यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद सिग्नेचर आता है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिए और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा कैप्चर कोड, ये जो यहाँ पे दिया हुआ सीधा यहाँ पे कैप्चर कीजिए, चेकबॉक्स क्लिक कीजिए, जी हाँ
प्रीव्यू देख लीजिए एक बार, कोई गलती ना हो मिस्टेक, फिर लास्ट में फिर एक बार चेकबॉक्स क्लिक कीजिए और सबमिट डिटेल्स पे जाके आप ओके कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपका ये फॉर्म भर जाएगा। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें करना क्या होगा आपका। आपने जब फॉर्म भर दिया यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो आपको एक आईडिया मिल जाएगा और एक छोटा प्रिंटआउट आपको लीजिए, उसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लीजिए। उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो आपका जो दसवीं का मार्क्स है, जी हाँ दोस्तों टेंथ में कितने मार्क्स मिले वही आप फिलअप जब इसमें करेंगे परसेंटेज, उसी परसेंटेज के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनेगी डायरेक्ट भर्ती के लिए। और मेरिट लिस्ट में जैसा जैसा आपका परसेंटेज है उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, जगह आएगी और आपको ये नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपका नाम आएगा, जैसे ही आपका इसका रिजल्ट घोषित होगा आप जाइए वहाँ पर चेक कीजिए अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, अगर आपका नाम वहाँ पर है तो दोस्तों आइए आप नौकरी पा चुके हैं। जी हाँ, बस आपको करना है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला जगह दोस्तों। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और साथ ही दोस्तों स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ।